तो क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा में नया खाता खुलवाए हैं या फिर खुलवाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा वेलकम किट के बारे में। जब भी आप बैंक ऑफ बड़ौदा में नया खाता खोलते हैं या फिर खुलवाने जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको मिलता है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वेलकम किट। ये वेलकम किट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं, खाता खुलवाने के कितने दिन बाद ये वेलकम किट आपको मिल जाता है, अगर वेलकम किट ना मिले तो फिर आपके साथ क्या होता है, उसके बाद अगर वेलकम किट नहीं मिले तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों आपको मिल जाएगी। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेंथ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आप नया खाता खुलवाने जा रहे हैं या फिर नया खाता आपने खुलवाया होगा, तो आपको ये चीज़ पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक वेलकम किट आता है, जो आपके घर के एड्रेस पे, जो भी अपने अकाउंट में जो आपने एड्रेस दिया होगा उस एड्रेस पे वेलकम किट डिलीवर होता है। ये वेलकम किट जनरली एड्रेस वेरिफिकेशन के पर्पज़ से होता है, और ये वेलकम किट में आपको मिल जाता है डेबिट कार्ड, यानी कि जिसे हम ATM कार्ड भी कहते हैं, एक बुक और एक थैंक्स लेटर, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से थैंकिंग लेटर रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका स्वागत है, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट ओपन कराया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ये वेलकम किट जो होता है अकाउंट ओपनिंग के एक महीने के अंदर आपके घर के एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। इन केस अगर ये वेलकम किट आपके एड्रेस पर डिलीवर नहीं होता है, किसी भी वजह से ये अनडिलीवर हो जाता है और ये वापस रिटर्न चला जाता है, तो उस केस में आपका जो अकाउंट होता है वो टेम्पोररली फ्रीज कर दिया जाता है, आप उस खाते में कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों फ्रीज का मतलब होता है आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, चालू रहेगा, बट उसमें आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वेलकम किट जो होता है आपके एड्रेस पर डिलीवर नहीं हुआ है। तो आप उस केस में दोस्तों आप अपने बैंक जाकर के एक एप्लीकेशन लिख करके जो भी रिक्वेस्ट है, जो कारण है कि आपके एड्रेस पर डिलीवर क्यों नहीं हुआ, आप वहाँ पे नहीं थे या फिर पोस्टमैन ने आपको नहीं दिया, जो भी इशू है आप वहाँ पे जाकर के एक एप्लीकेशन दे करके अपने बैंक से, अपने ब्रांच से संपर्क करके अपना खाता को पुनः एक्टिव करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि वेलकम किट क्या होता है, कितने दिन में आपके घर पर आता है और तमाम जानकारी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल टेनिथ।